झरिया में आए दिन गैस रिसाव और भूधसान की घटना होती रहती है। कोयलांचल में आज सुबह हुए जोरदार बारिश के बाद सुदामडी ईदगाह मोहल्ले के पास अचानक तेज आवाज के साथ गैस रिसाव होने लगा, जिसके बाद आसपास रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कुछ दिन पूर्व भी इस स्थान पर गैस रिसाव की घटना हुई थी। बीसीसीएल प्रबंधक को इसकी सूचना दी गई थी, मगर प्रबंधक ने उस स्थान पर ओबी डम कर खानापूर्ति कर दिया था। फिर उसी स्थान पर गैस रिसाव होने पर आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अधिकारी को जानकारी डीके मिश्रा मैनेजर को दे चुके हम लोग, और ये पूर्वक आग है जो कि एक साल पहले मैनेजमेंट इसको डंपिंग करके भर दिया गया, जो कि इसको आग को निकालने के लिए जेसीबी से या उसके पोकलैंड से इसको आग को निकालने की बात हुई थी, उसको उन लोगों ने आनाकानी करके इसको डंपिंग कर दिया। डंपिंग करने के बाद जो है कि ये आग लहरता रहा, आज सुबह में बारिश हुई, आग में पानी गया और ये धुआं धुआं हो गया। इससे पूर्व करीब 15 दिन पहले हम लोगों ने आग का डंपिंग को ये डंपिंग प्लेस पर हम लोगों ने बंदी किया था। 21 तारीख का बंदी हुआ था, 22 तारीख का आपका पेपर में आया था। इसके चलते मैनेजमेंट आनाकानी करके अभी तक किसी तरह का निर्णय नहीं लिया कि डंपिंग किस तरह से सुचारू रूप से बंद हो, इस गांव को बचाया जाए प्रदूषण से, वायु वातावरण से। ऑक्सीजन की कमी हमारे गांव में भी पड़ रही है, क्योंकि यहां पर ही ना पौधा है ना वृक्ष है, डंप की आग से हम लोग जूझ रहे हैं। इस डंप को हम लोगों का यही कहना है कि इस डंप को हटा के इसका वेल ग्राउंड बना करके एक ऑक्सीजन की तैयारी मैनेजमेंट करे।